कोई भी रिवर बैंक के सामने आ जाओ या कोई भी वाटर बॉडी के सामने हो, मीट बी सी और एनीवेयर, एक अलग ही शांति मिलती है। कलकत्ता के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्रॉपर्टी के सामने स्टार्टिंग में तो आपने देख ही लिया होगा, जैसा कि मैंने इंस्टाग्राम में अपडेट किया था, आज अपने दो चीज़ के लिए वीडियो बना रहे। फर्स्ट इज की हिस्ट्री ऑफ वैलेंटाइंस डे एंड द सेकंड इज ऑल अबाउट प्रिंसेप घाट। तो लेट्स सी, आगे देखते हैं और क्या क्या बता सकता हूँ। बात करते हैं प्रिंसेप घाट की, तो प्रिंसेप घाट कलकत्ता का हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। ये आपके जेम्स प्रिंसेप की याद में बनाया गया था आफ्टर हिज डेथ। इट वाज समथिंग अराउंड 1840s और उसी टाइम की बात है जब उनकी डेथ हुई। उस समय के हिसाब से ये ऑलमोस्ट 12,000 रुपये में बनाया गया था, 12,000 रुपीज़ एट दैट टाइम आपको ये दे सकता है। फर्दर ही वॉज अ वेरी आइकॉनिक मैन, प्रॉबेबली मिंटिंग भी उन्होंने ही इंडिया में स्टार्ट कराई थी। वॉज अ वेरी लर्नड मैन और उनके ऑनर में ये प्रिंसेप घाट बनाया गया था। गैंगेज रिवर के बैंक्स पे है और भी अगल बगल स्टेशन भी प्रिंसेप घाट के नाम से है। आगे चलते हैं, आपको प्रिंसेप घाट स्टेशन के कुछ ग्लिम्स देते हैं। प्रॉब्ली ट्रेन तो आकर के चली गई, आइए देखते हैं आगे। प्रिंसेप घाट आपके ठीक गंगा नदी के बगल में ऐसे की बैकग्राउंड में दिख ही रहा होगा और मस्त ठंडी ठंडी हवा आती है, आइए हवा का मज़ा लीजिए, थोड़ा रिवर बैंक को भी थोड़ा निहार लें। और अभी तो पहले ब्यूटीफिकेशन नहीं था यहाँ पर, अभी यहाँ ब्यूटीफिकेशन भी हो गया है, काफ़ी सुंदर बना दिया है घाट को। ट्रेन आ रही है, एक ग्लिम्स ट्रेन का भी ले ले, शायद सामने से आती है। लेट्स सी, सो ट्रेन का टाइम लैप्स हो गया, प्रिंसेप घाट की बात हो गई, अब बात करते हैं अपने वैलेंटाइन डे के स्टोरी की। आइए बैठते हैं कहीं। सब करो ये मत करो, पता नहीं मजा क्या आता है लोगों को कचरा फैला करके, भी हिस्टोरिक प्रॉपर्टी, बियर का बोतल, क्या क्या सब फेंक करके रखा हुआ है, बेवकूफ़ी है बेवकूफ़ी। और चलते चलते जस्ट बैकग्राउंड में लग रहा है कि अपने पहुंच गए कोलकाता पुलिस के गोडाउन में, और चलते चलते इसलिए पहुंच गए क्योंकि
सब तरफ नवागंतुक जोड़ों ने सीटों पे कब्जा कर लिया है, तो भाई साहब बैठने की जगह मिल नहीं रहे हैं, क्या किया जाए, खड़े खड़े ही चलते चलते बात कर रहे हैं। तो स्टोरी आती है वैलेंटाइन डे पे कि वैलेंटाइन डे मनाया क्यों जाता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस history.com पे सर्च किए व्हाई इज़ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेटेड, तो एक ब्लॉग है छोटा सा उसमें एज की history.com का है तो प्रॉबेबली जेन्युइन ही है। मोस्ट ऑफ लोग को पता नहीं कि वैलेंटाइन डे मार्क्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ सेंट वैलेंटाइन, स्टार्टेड समथिंग अराउंड 200 और 300 BC, जस्ट इन बिटवीन दैट। बट सेंट वैलेंटाइन जो थे वो और पहले उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई थी, इसके ऊपर स्टोरीज़ काफ़ी अवेलेबल है, कई भी डिबेटेबल स्टोरीज़ है। वन वॉज सेंट वैलेंटाइन एंड द अदर वॉज ऑल्सो सेंट वैलेंटिनो। उस तब के जो पोप थे, कोई फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई फंक्शन वंक्शन कुछ टाइप होता था, तो उस फंक्शन का नाम चेंज करके लव के ऊपर में रख दिया, एंड द इंस्पिरेशन बिकेम सेंट वैलेंटीन और सेंट वैलेंटिनो। तो जो सिंपल स्टोरी है, तो वैलेंटाइन डे चालू करने का मोटो क्या था उस समय का? मोटो ये था कि लोग आपस में लव शेयर कर सकें, इट इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली। बट आज खाली वही तोता मैना वाला प्यार रह गया है और कुछ नहीं रह गया है। पहले चॉकलेट डे ये डे वो डे नहीं होता था, दिस इज़ ऑल कमर्शलाइज्ड। चॉकलेट डे हैना दे तैना दे, ऐसे कुछ नहीं, रेवेन्यू बनाने का स्कैम है। एक बार और जा करके नेट पे सर्च करना कि ऑल टुगेदर कितना चॉकलेट कितना टेडी बिक्री हो जाता है, जस्ट कमर्शलाइज हुआ हुआ है ये, और कुछ नहीं है। दैट्स इट, यही बोलना था। एंड अगर आपको प्रिंसेप घाट या वैलेंटाइन डे के कोई भी स्टोरी के ऊपर में कुछ अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, लेट द वर्ड रीच नॉट ओनली यू एंड मैनी मोर। तब तक के लिए मिलते हैं फिर किसी दिन, एंटिल देन बाय बाय।